भाइयों और बहनों, शिवमोगा का ये एयरपोर्ट ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब भारत में हवाई यात्रा को लेकर बहुत उत्साह है। आपने हाल में ही देखा होगा कि एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा विमान खरीदने का सौदा किया है। 2014 से पहले जब भी एयर इंडिया की चर्चा होती थी तो अक्सर नकारात्मक खबरों के लिए ही होती थी। कांग्रेस के राज में एयर इंडिया की पहचान घोटालों के लिए होती थी, घाटे वाले बिजनेस मॉडल के रूप में होती थी। आज एयर इंडिया भारत के नए सामर्थ्य के रूप में विश्व में आगे नई ऊंचाई, नई उड़ान भर रहा है। आज भारत के एविएशन मार्केट का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आने वाले समय में हजारों विमानों की जरूरत भारत में पड़ने वाली है। इन विमानों में काम करने के लिए हजारों युवाओं की जरूरत होगी। अभी हम भले ही ये विमान विदेशों से मंगा रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब भारत के नागरिक मेड इन इंडिया पैसेंजर वाले प्लेन में प्रवास करेंगे। एविएशन सेक्टर में रोजगार के लिए अनेक संभावनाएं खुलने वाली है। साथियों, आज भारत में हवाई यात्रा का जो विस्तार हुआ है उसके पीछे भाजपा सरकार की नीतियां और निर्णय है। 2014 से पहले देश में सिर्फ बड़े शहरों में ही एयरपोर्ट पर फोकस था। छोटे शहर भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़े एक कांग्रेस की सोच ही नहीं थी। हमने इस स्थिति को बदलने का निर्णय लिया। साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, 74 यानी आजादी के 7 दशक बाद भी देश में 74 एयरपोर्ट ही थे, जबकि भाजपा सरकार अपने 9 साल में 74 नए एयरपोर्ट बनवा चुकी है। देश के अनेक छोटे शहरों के भी पास जब उनके अपने आधुनिक एयरपोर्ट है, आप कल्पना कर सकते हैं कि भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार क्या है। गरीबों के लिए काम करने वाली भाजपा सरकार ने एक और बड़ा काम किया। हमने तय किया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर पाए। इसलिए हमने बहुत ही कम कीमत पर हवाई टिकट देने वाली उड़ान योजना शुरू की। आज जब मैं देखता हूं कि मेरे कितने ही गरीब भाई बहन पहली बार हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं और उससे मुझे बहुत संतोष होता है। शिवमोगा का एयरपोर्ट भी अब इसका गवाह बनेगा।